नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट, भारत में संक्रमितों की संख्या 11,439 पहुंची। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर, महेश व्यास। लॉकडाउन और बढ़ाने के मायने क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार 15 अप्रैल को सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1076 नए मामले सामने आए हैं। 38 लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही 270 लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है और 768 सक्रिय मामले और जुड़ गए हैं। देश में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 11,439 पहुंच गई है, जिनमें से 1,306 लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है, लेकिन 377 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अभी भी 9,756 सक्रिय मामले मौजूद हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। सबसे अधिक नए मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल 18 लोगों की मौत हुई है और 353 नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 2,687 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 126 नए मामलों के साथ 7 मौत भी हुई है। गुजरात में 111 नए मामलों के साथ 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश से 102 नए मामले, राजस्थान से 96 मामले सामने आए हैं। दिल्ली और आंध्र प्रदेश से 51-51 नए मामले सामने आए हैं और 2-2 लोगों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु से 31 नए मामले और 1 की मौत, पश्चिम बंगाल से 23 नए मामले, कर्नाटका से 13 मामले और 4 लोगों की मौत की खबर है। पंजाब में 9 मामले और 1 की मौत की खबर है। हरियाणा से कुल 14 नए मामले सामने आए हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें प्रभाव कम रहा है, जिनमें केरल, जम्मू और कश्मीर से 8-8 मामले, 6 मामले उड़ीसा से, 3 मामले झारखंड से, 2-2 मामले उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और लद्दाख से आए हैं और 1 मामला बिहार, हिमाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय से सामने आया है। कुछ राज्य ऐसे भी रहे हैं जिनमें पिछले 24 घंटों से कोई नया केस सामने नहीं आया है, जिनमें चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुदुचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। ये थे आज के कोविड अपडेट्स। न्यूज़ क्लिक के साथ खास मुलाकात में मुंबई स्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास ने कहा कि आज ये देश अपने प्रवासी मजदूरों के हितों को नज़रअंदाज करने की भारी कीमत चुका रहा है। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक इन्हीं पर निर्भर करती है। आइए सुनते हैं क्या कहना है महेश व्यास का। ये जो बेरोजगारी की दर है आज, जो 23.4 या 24% तक पहुंच चुकी है अभी, वो मेरे ख्याल से सबसे ऊंचे स्तर पर है। इतनी बेरोजगारी मेरे हिसाब से पहले कभी नहीं हुई। हमने ये काम शुरू किया 2016 में, उसके पहले NSSO का डेटा है और वो बहुत पीछे तक जाता है, और उसको यदि हम देखें तो बेरोजगारी की दर उनके हिसाब से तो करीब 2-3% ही रहा करता था। जब भारतवर्ष काफी पिछड़ा हुआ था इंडिपेंडेंस के ठीक बाद में, जब हमारा पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम था, तब लोगों में ये क्षमता ही नहीं थी कि वो बेरोजगार रहें, क्योंकि यदि वो बेरोजगार रहेंगे तो कुछ खा नहीं पाएंगे। तो जैसा भी जो भी मिलता था करने के लिए वो करके अपना गुजारा निकाल लेते थे। अब बेरोजगारी बढ़ सकती है क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया का बढ़ गया है और अब लोग इस विचार में रहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या कोई अच्छा कारोबार मिल जाए तभी वो कारोबार लेंगे, वरना हम बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो पिछले मेरे ख्याल से 15-20 सालों में ये अवश्य हुआ है कि बेरोजगारी बढ़ी है, और ये बेरोजगारी 10% और 15% के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाई है, लेकिन अभी ये 8% से लेकर के 23% तक पहुंच गई है या 24% तक पहुंच गई है। ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, लेकिन इसमें और बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो लोगों की दिक्कतों को और ज्यादा सही ढंग से बताती है। आपने जो कहा कि ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि जिन लोग अभी श्रम जो अपने श्रम और जो अपने जीविका के लिए, रोजगार के लिए
करने के लिए, काम करने के लिए तैयार है मगर नहीं कर पा रहे। तो आपने कहा कि ये भारतवर्ष का इतिहास में सबसे नीचे एक जगह गिर गया, 39%, 39%। इसका मतलब क्या है? ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? और ये आपने कहा कि कभी इस स्तर में 39% में नहीं गिरा था भारतवर्ष के इतिहास में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसका महत्व भारत में बेरोजगारी दर से कई गुना ज्यादा है। मतलब कि यदि हम बेरोजगारी की दर देखते हैं तो एक प्रकार की पीड़ा देखते हैं कि लोगों को नौकरी की इच्छा है लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं रही है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि कितने लोग काम करने को तैयार है, कितने लोग सामने आकर के कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए या हमें कारोबार करना है या हमें किसी भी प्रकार की के श्रम में कुछ योगदान करना है। तो ये इसकी मात्रा पूरे पॉपुलेशन के साथ की जाती है कि जितने लोग हैं वर्ष में 15 साल और उसके ऊपर जो लोग काम कर सकते हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं, प्रतिशत, जो काम करने के इच्छुक हैं, जो काम ढूंढने के लिए निकले हैं बाहर। ये विश्व में इसका औसत नंबर करीब 66% होता है, 66% के आसपास का होता है। इंडिया में ये नंबर हमेशा 50% के आसपास ही रहा है, ये बहुत कम है। हमने पाया है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद में इसका स्तर काफी गिर गया और तकरीबन 42-43% तक पहुंच गया था, 42-43 औसत है। मानिए कि बहुत ज्यादा गिर जाता है ये आंकड़ा, मतलब कि इतने लोग पूरी जनसंख्या में से श्रम बाजार के बाहर निकल आते हैं, मतलब कि ना तो वो नौकरी काम करने के लिए ढूंढ रहे हैं ना उनके पास नौकरी है। ये जो प्रतिशत है, जो विश्व में 66% है, हमारे यहाँ 50% था, उतर करके 42% पे आ गया। अब एक महीने में या एक महीने के कम समय में वो उतर करके सीधे 39% तक आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग बाजार, श्रम बाजार में से चले गए हैं, उनको उम्मीद ही नहीं है कि उनको कोई नौकरी मिलेगी। तो यदि हम उनसे पूछें कि क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो कहते हैं कि कौन सी नौकरी, कोई नौकरी नहीं है, हम कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहे। लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, पर इसके परिणाम क्या होंगे? भारत में टेस्टिंग इतनी कम संख्या में क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अफवाहों का जिक्र क्यों नहीं किया? इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं प्रबीर पुरकायस्था, बापा सिन्हा और साइंटिस्ट सत्यजीत रथ। आइए सुनते हैं उन्हें। अभी भी अगर हम देखें तो जो प्रदेश खासतौर से महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, इनकी बढ़ोतरी से क्या नजर आ रहा है? राइट, हाँ, तो अगर नाउ इफ यू लुक एट these states and these are the top three states, Maharashtra, Delhi and Tamil Nadu, if you look at their graphs, they are not dipping at all. They are continuing to grow at a doubling rate of roughly every 4 days. And so these states are what everybody is talking about. But if you look at even other states like Rajasthan, Telangana, MP, UP, Gujarat, AP. So this is like a whole bunch of states where the numbers are continuing to grow at a very at the rate it was growing since the last few weeks. I think there is only one state where you can say with some level of confidence that the epidemic has been brought under control, and that is Kerala. And if you look at Kerala's charts, then it is clear that the total case numbers, that has clearly flattened out, and Kerala is now adding very few new cases every day. Kerala was, by the way, one of the first places where cases were discovered, and in the month of March, Kerala had the largest number of infected reported cases. The early starter in that sense. Yes. Partly because Wuhan students came from basically from China to Kerala. And also it is the one which sees a lot of foreign tourists as well as a lot of Gulf
एक्सपैट्स कमिंग बैक एंड फोर्थ. सत्यजीत आपके पास आना चाहते हैं इस वक्त. इफ वी लुक एट व्हाट वी आर सीइंग, देयर आर टू पार्ट्स टू ऑल ऑफ दिस, एंड बापा हैज आल्सो डन सम वर्क ऑन द टेस्टिंग रेट्स इटसेल्फ, एंड वी हैव अ चार्ट व्हिच शोज हाउ द स्टेट्स आर टेस्टिंग, एंड दैट चार्ट सीम्स टू शो that our test rates are still pretty low if you take all the states. Why is our test rate so low? Hamare testing rates itne niche kyun hai? Iske liye thodi baatein isliye yaad rakhni chahiye. Iske pehle ke test kits pe apna hai ke hamari testing badhne lagi hai wo lockdown ke darmiyan badhne lagi. लॉकडाउन के पहले हमने तकरीबन कोई टेस्टिंग करी ही नहीं थी. मतलब आंकड़े इतने छोटे थे कि उनके आधार पर बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता था. तो हमने जब लॉकडाउन किया तो हमने अंधेरे में छलांग लगाई. तो ये छलांग हमने इसलिए लगाई कि इन तीन हफ्तों के दरमियान हम हमारी टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाएं, हम हमारी आउटरीच की क्षमता बढ़ाएं, जिसके जरिए हम समाज में जाकर, बस्तियों में, पहाड़ों में जाकर केसेस ढूंढें, उनके कांटेक्ट ढूंढें, उनकी डायग्नोसिस जल्दी से कराएं, उनका कंटेनमेंट अगर करना है लोकल ट्रांसमिशन का तो वो कराएं, और इसके लिए एक आम सामाजिक जागृति हो, एक साझा समझ हो और वो बढ़ाए. इसके लिए हमने तीन हफ्तों का एक लॉकडाउन किया था. लेकिन इन तीन हफ्तों में क्या कुछ भी नहीं हुआ है? हुआ है, टेस्ट्स बढ़े हैं, लेकिन टेस्ट्स उतनी औसत में नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए. इसकी वजह है क्या क्या है? एक तो वजह यह है कि हम घर की बनाई हुई टेस्ट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खरीद के टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. हम खरीदी टेस्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनमें क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी इश्योरेंस है. मतलब विदेशी इंपोर्ट कर रहे हैं, विदेशी हैं आमतौर पे, कुछ बहुत छोटे पैमाने पर देशी भी हैं, लेकिन दोनों कमर्शियल टेस्ट हैं. तो इसमें परेशानी यह है कि जो देशी टेस्ट हैं वो अपने बनावट के आंकड़े बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा नहीं सकते. मैन्युफैक्चर उतनी बड़ी स्केल में हो नहीं सकती. तो ये मैन्युफैक्चर बड़ी स्केल में कहां होगी? विदेश में होगी. विदेश में जो कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट सप्लाई कर सकती हैं, उनके पास ढेर सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं. तो तब सवाल यह उठता है कि आपने कितने पहले ऑर्डर दिए थे? ये तो आप सरकारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें, जैसे ट्रंप मोदी से किया हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए, उस तरह से आप बात करें, डंडे के बल पे नहीं, पर कम से कम बात करें चाइनीज प्रेसिडेंट से, जिनके अभी चीन के पास टेस्ट बनाने की क्षमता है, एक्सपोर्ट करने की क्षमता है, और उनके यहाँ इतनी बीमारी के फैलाव है नहीं. तो ये भी हम कर सकते थे, वो भी हम नहीं. साउथ कोरिया से भी बात कर सकते थे, और किसी हद तक शायद इस तरीके की बातें हुई हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें से बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला. तो ये एक मर्यादा है कि हर दिन हम कितनी टेस्ट कर सकते हैं. आज हम तकरीबन 12 से 15,000 टेस्ट ICMR के अनुसार रोजाना कर रहे हैं, और ICMR का दावा है कि अगर इस रफ्तार से हम टेस्ट करते रहे तो अगले 6 हफ्तों तक करने के लिए हमारे पास टेस्ट मौजूद हैं. लेकिन क्या इतनी काफी हैं? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आंकड़ों के हिसाब. आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही. इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर. हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर. देखते रहिए न्यूज क्लिक. धन्यवाद.